शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा आपको उनसे रूबरू करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल एके चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद आपको। मेजर मोहम्मद अली शाह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी जय हिंद सर। डॉक्टर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र सिंह, और आपको भी जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, क्या श्रीलंका के रास्ते पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बढ़ चुका है, और जिस प्रकार से सर ने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान आन तमाम चीजों पर लगाम लगा रहा है लेकिन जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उस पर लगाम लगाने को तैयार नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है सर? सवाल है। जी हाँ, श्रीलंका जो ये चाइना पाकिस्तान जो है श्रीलंका के नक्शे कदम पे जो श्रीलंका का हाल हुआ था उसी में जा चुका है, लेकिन जी श्रीलंका को की मदद करने के लिए अन्य देश सामने आए थे। हिंदुस्तान सबसे पहले आया था, सबसे आगे आगे हिंदुस्तान चला था श्रीलंका को मदद करने के लिए। जी पाकिस्तान को मदद करने के लिए अभी तक चीन भी नहीं आया, बल्कि चीन का जो सीटा जो था उसमें से ये तो इन्होंने, बल्कि चीन ने पाकिस्तान की जो एम्बेसी उसमें से अपनी कंसुलेट बंद कर दी है। जी ये बोला है कि टेक्निकल वजह से, क्या तकनीकी वजह है ये बताई नहीं उन्होंने, कब तक बंद रहेगा ये भी बताई नहीं। तो चीन जो है वो मुकर के भागने वाला पहले वो है। अच्छा, जो अरब देश है, जो गल्फ कंट्रीज है, वो तो इनके देव दोस्त है ना, वो कहा है? वो कहीं पे नहीं है, वो इनकी मदद करने क्यों नहीं आ रहे? हाँ, यूएई ने थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करी, लेकिन वो ना के बराबर है, तो चिल्लर बल्कि टिक मार्क कि हमने मदद करी। पाकिस्तान इतनी मुसीबत में है, अब आईएमएफ से पैसे लेना यानी के आगे खाई पीछे कुआं, ठीक। बस अगर वो आईएमएफ से लोन लेते हैं वो तो भी मुसीबत, ना लेते हैं तो भी मुसीबत। अब आईएमएफ ने 2019 में इमरान खान की सत्ता ने लोन सैंक्शन करवाया था। अब आप देखिए, इस अभी कुछ चंद महीनों से कुछ ये नहीं जाएगा, इनको रुका हुआ है। आईएमएफ ने शर्तें लगाई थी, इनका तेल निकल जाएगा शर्तों में मानते मानने। जनरल चतुर्वेदी की बात पे आते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि डिफेंस बजट आईएमएफ ने कहा था 20% कम करेंगे ये डिफेंस बजट, लेकिन ना, फजूल के खर्चे इनको करने हैं। पिछले छह महीनों में इन्होंने $1.2 बिलियन की गाड़ियां इंपोर्ट करी है, बाहर से मंगाई है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, तो ये कर कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बेंद्र भुट्टो का एक 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 कॉप एक फंड है जो कि गरीब लोगों की मदद करता है जी, वो भी उसमें भी ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है। फिर टैक्सेस लगाइए थोड़े बहुत, ठीक है मैं मानता हूं कि भाई रातों रात इनके गरीबी इनकम महंगाई बम फोड़ा इनके ऊपर, इतनी जबरदस्त महंगाई आ गई वहां पे। अब आप देखिए, आईएमएफ से लोन लेने का मतलब ये है कि जो धंधे है व्यापार है वो बंद हो जाएंगे, लोग नौकरियां अपनी खोएंगे, गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो क्या होएगा? तो जाहिर सी बात है, तो फिर क्राइम की तरफ जाएंगे ये लोग, क्रिमिनल बन जाएंगे, और वही तो चीज पाक सेना कर रही है। पाक सेना का भी योगदान है वो, आप सब्सिक्वेंटली मुझे पूरे यकीन है आप आएंगे इस पे कि ये ड्रग्स में डील कर रही है पाकिस्तान की सेना जी, वो एक ड्रग माफिया बन रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, सर ने एक बड़ी बात अहम कही है कि पाकिस्तान नशे की खेप भेजकर बेशक दुनिया को बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि उसके युवाओं पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल राजेश जी, देखिए ये कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, डूबता तो हर चीज अपने को बचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान जो है सर्वाइवल के लिए इतना गिर चुका है कि नशे के पदार्थ यानी कि ड्रग्स रॉकेट चला रहा है, वो भी उनकी मिलिट्री। सबसे हैरानी बात यह है कि उनकी आवाम नहीं, उनकी मिलिट्री। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े ले आता हूं। 2018 में जब इमरान खान की सत्ता वहां पे थी तो $1 तो 123 रुपीज था पाकिस्तानी रुपीज का $1 जी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं ले आता हूं, अभी पिछले साल की बात मैं ले आता हूं, 2022 में तब $1 था 175 रुपीज, पाकिस्तान रुपीज की बात कर रहा हूं मैं। और 1 जनवरी इस साल जब ये जाल साल खुला तब $1 की कीमत थी पाकिस्तान रुपये में 226.55 पाकिस्तानी रुपी। और 7 फरवरी में इनकी और 17% से डिप्रिशिएट हुआ, 17% से उनका हुआ पाकिस्तानी रुपी में 275 रुपीज, यानी कि इतना गिर रहा है इनकी इन्फ्लेशन, डबल डिजिट में बढ़ रही है।
तो इनके पास कोई चारा बचा ही नहीं है जी। इसी के लिए ही पाकिस्तान की मिलिट्री इनकी ये नशा कर रही है। अफगानिस्तान में अफीम उगता है तो वहां से ये कैसे कैसे करके अपना हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, इनका दिवाला पिटने वाला है, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। और जैसे जनरल साहब ने बिल्कुल खूब फरमाया था, इफ देयर इज नो ब्रेड गिव देम केक, तो उनको ये नौबत आई है कि भाई वो खाने के लाले पड़ेंगे और श्रीलंका से इनकी बदतर हालत होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए सारी जानकारी आपको देता हूं, उसके बाद मेजर मोहम्मद अली शाह सर के पास चलते हैं। अमेरिका की ये रिपोर्ट है, टीटीपी के पीछे तालिबान, पाक की तबाह अर्थव्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि पाकिस्तान इस हालत में कोई एक्शन नहीं ले सकता, सेना ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, तालिबान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता पाकिस्तान, टीटीपी के पीछे पाकिस्तान की सेना, ऐसी भी चीजें सामने आ रही हैं। टीटीपी के नाम पर आर्थिक मदद चाहता है पाकिस्तान, टीटीपी के साथ इमरान खान। दो तीन चीजें मैं समझना चाहूंगा, ये मैं डॉक्टर महिंदर से समझूंगा, लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह सर, पाकिस्तान की सेना वाकई में विवश है क्या, मजबूर है क्या इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री बोल चुके हैं कि हम एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन वो हौसला नहीं दिखाई पड़ा है। क्या पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अगर टीटीपी के खिलाफ गए तो हमें तालिबान के साथ लड़ना पड़ेगा, उस अफगानिस्तान के साथ लड़ना पड़ेगा जिसको इतिहास में कोई जीत नहीं पाया है? जी, पाकिस्तान की सेना तो टीटीपी को का समर्थन करती, उनको सहयोग देती, उनकी हेल्प करती, उनकी मदद करती, उनके साथ खड़ी रहती। वैसे भी देखिए, इनका ये कॉन्सेप्ट है एक गुड तालिबान और बैड तालिबान का। तरीके तालिबान पाकिस्तान जो हो गई वो अच्छी तालिबान हो गई, और जो अफगानिस्तान में जो आई थी तालिबान वो बैड तालिबान। मैं एक उदाहरण देता हूं ताकि हर कोई समझ जाए इस बात को, जो हमारे आम दर्शक आए हैं। देखिए, चोर है, दो चोर है, और दो चोर है, एक चोर मेरे को हफ्ता दे रहा है, मेरे को एक शेयर दे रहा है, मेरी देखभाल कर रहा है, वो चोर, और एक चोर है वो अपनी बस चोरी करके भाग रहा है और उसी से खा रहा है चोरी से। तो मैं कहूंगा ये चोर जो है जो मेरे को खिला रहा है वो अच्छा चोर हुआ, और जो चोर मेरे को हिस्सा नहीं दे रहा है वो चोर बुरा चोर हुआ। अरे ये अच्छा चोर बुरा चोर क्या होता है, चोर तो चोर है ना, तालिबान तो तालिबान है बेसिकली। तो उसी तरीके से पाकिस्तान की जो सेना है, उनकी सरकार है, वो तो तरीके तालिबान पाकिस्तान को वैसे ही मदद करती वैसे भी, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं, अभी वैसे भी इकॉनमी डाउन है। अब राजेश जी कुछ आंकड़े मैं देता हूं आप, ताकि हर कोई इस बात को समझ ले। आप फर्ज करिए, देखिए फर्ज क्या है, तो हकीकत की फैक्ट है ये। वैसे पिछले साल इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे $2.7 बिलियन जी। इसके बाद इस साल, अभी आप देखिए 3 फरवरी की बात बता रहा हूं मैं, अभी हाल ही के मतलब 2 हफ्ते हुए हैं, बचे थे इनके पास $8.5 बिलियन और अभी फिलहाल अभी करंटली इनके पास $2.9 बिलियन है इनके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, और बाकी जो है बचा कुछ है वो उनके कमर्शियल बैंक के पास, इनके प्राइवेट बैंक जो है जी। अब आप देखिए इकोनॉमी जो है इनकी खास और स्लिप होती गई 2020 के बाद, और तेजी से हो रही थी मगर पैंडेमिक में और तेजी से ये स्लिप हुई, ठीक है। अब ये पैंडेमिक में क्या हुआ, इन्होंने एक्सपोर्ट की भी, इनके पास ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर कोई देश के पास, इनको डॉलर में कमाने पड़ेंगे पहली बात तो ये है, और इनको ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट से, तब जाके कुछ स्टैंडिंग होगी, जो कि इस ब्रैकेट में ये लोग बिल्कुल कतई फिट नहीं आते हैं, ठीक है। 2020 में क्या हुआ, जब ये पैंडेमिक आया तब इनके पास जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उनके पास थे वर्थ $2.9 बिलियन के, और जो इंपोर्ट थी वो वैल्यू थी $44 बिलियन की, ठीक है। अब आप देखिए तो जाहिर सी बात है, आप तुलना यहीं पे कर लिए आप। इसके बाद जो प्रोविजन डेटा जो बाद में रिलीज हुआ पिछले महीने की बात बता रहा हूं मैं आपको, जनवरी में, उसे दिखा के एंड ऑफ 2022 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हुई थी वो इंक्रीज हुई और वो $31 बिलियन की हुई, मगर उनकी जो इंपोर्ट थी वो $66 बिलियन की हुई, यानी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया बेसिकली, ये बात थी। चलिए शुक्रिया मेजर जनरल एके चतुर्वेदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर शाह सर बहुत बहुत शुक्रिया। महिंदर सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ मेरे खास प्रोग्राम में।